तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो बेसिकली कि अगर इसमें तुम देखोगे तो ये कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट इज 24 आवर। चलो मान लो एक अर्थ है और इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड एक सेटेलाइट एक्स डिस्टेंस पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ऐसे सेटेलाइट चक्कर लगा रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना। चलो मान लो ऐसे, तो कहता है टाइम पीरियड कितना है भाई। टाइम पीरियड 24 आवर्स है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सेटेलाइट, जब डिस्टेंस एक्स था, ठीक ना, डिस्टेंस अर्थ सेटेलाइट एक्स था। अब कहता है कि टाइम पीरियड इसका कितना होगा अगर डिस्टेंस x/4 कर दिया जाए, दैट इज R2 मान लेता हूँ, 1/4 पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा? ऑब्वियसली देखो, जो टाइम पीरियड होगा तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है इज पढ़े हुए केपलर्स लॉ इज प्रोपोर्शनल टू R³। तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू कम करोगे तो टाइम पीरियड भी तो कम हो जाएगा भाई, तो 24 आवर्स से कम हो जाएगा टाइम पीरियड। कितना होगा वो तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ से तुम देखोगे तो टाइम पीरियड टी टी अपन T2/T1, दैट इज यहाँ से R2/R1 की पावर यहाँ से 3/2। तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी T1, और यहाँ R2/R1 की पावर 3/2। तो जब पूरा इसको सॉल्व करेगा तो T1 की वैल्यू 24 यहाँ से, और R2 की जो वैल्यू है R2, तो R2 यहाँ से x/4 और ax, और यहाँ से 3/2, तो ये सब कैंसिल हो गया, तो ये 24, और यहाँ से तुम देखोगे तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 3 times तुम देखोगे यहाँ से, और ये सब रूट के अंडर, मतलब यह आ जाएगा 24/4, और यह आ जाएगा 1/4 रूट के अंडर बच जाएगा, मतलब यह आ जाएगा 24/8, तो यह आ जाएगा 3 आवर्स, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे बेटा गलत है। तो T2 = 3 आवर्स हो जाएगा फाइनली। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।